ANU News, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, मैं रफीक अली, आप देख रहे हैं ANU News, सच को जो लाए सामने। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका के बीच उद्धव सरकार की बड़ी टेंशन। डेल्टा वेरिएंट के अब तक 45 मामले दर्ज। कोरोना के नियमों को तोड़कर बर्थडे मनाने वाले सपा के MLA अबू आजमी पर केस दर्ज। मुंबई के अस्पताल में इमरजेंसी में 110 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रही है BMC। कोरोना की तीसरी लहर की हो रही है तैयारी। शेयर बाजार के मजबूत शुरुआत। सेक्शन 54,400 और निफ्टी 16,300 के पार। गुटखा बेचने वाले पर बड़ी कार्रवाई। 30 जगहों पर छापेमारी में 39 लाख का गुटखा जब्त। आम आदमी पर चलेगा महंगाई का डंडा। अब फिर से अंडा और चिकन के दाम 20-25% तक बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के केरल में बैंक से 3 करोड़ के सोने पर हाथ साफ किया सतारा के 4 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को 15 अगस्त से ट्रेन में सफर करने की दी आजादी। पुणे से उत्तम नगर में बदमाश पर फायरिंग। बाइक से आए अपराधी ने चलाई 6 गोलियां, मची खलबली। लखनऊ में हवा भरने के बाद जब मजदूर ने रईस जादो से पैसा मांगा तो वो कार से घसीटा। वर्धा में 23 ATM कार्ड सहित चोर हुए अरेस्ट। पुलिस ने 55,000 जब्त किया। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी बनाकर रख के आपका समय आने पर वैक्सीन जरूर ले। आदिवासी दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री माननीय अजीत साहब ठाकरे ने आर्य कॉलोनी के आदिवासी और भाई बहनों को मुलाकात की और उनसे अच्छे होने की शुभकामनाएं दी। सभी लोगों को देखकर खुशियां दुगुनी।